हेलो एंड वेलकम क्लास। आज हम बात करेंगे स्टेम ट्यूबर की। अब स्टेम ट्यूबर की जनरली जो एग्जांपल हम लेते हैं इसके अंदर वो लेते हैं पोटैटो के। पोटैटो का जो बॉटनिकल नेम है सोलाना ट्यूबरस, इसका बॉटनिकल नेम है। द बेसल एंड अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ स्टेम प्रोड्यूस एक्सिलरी एंड सब एक्सिलरी अंडरग्राउंड ब्रांचेस। तो जैसे कि जो बेसल पार्ट है, जैसे कि ये बेसल पार्ट है पोटैटो, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, ये क्या डेवलप कर रहा है, पूरा ब्रांचेस डेवलप कर रहा है। कैसे ब्रांचेस? एक्सिलरी एंड सब एक्सिलरी, ये होंगे सब एक्सिलरी। ये कैसे ब्रांचेस होंगे? सब एक्सिलरी ब्रांचेस, एक्सिलरी एंड सब एक्सिलरी ब्रांचेस, बराबर। विद टर्मिनल पार्ट ऑफ सच ब्रांचेस बिकेम सॉलिड ड्यू टू स्टार्च ऑफ फ्लेश, स्टोरेज ऑफ फ्लेश स्टार्च, storage of starch and become fleshy, starch storage करते हैं, fleshy बन जाते हैं। किस तरह से? starch का structure develop हुआ। these swollen teeth of underground branches, कैसे हैं ये? swollen है, teeth है, जो teeth थे वो swollen हुए underground branches of stem के, उसको हम क्या बोलेंगे? stem tubers। It contains many notch on surface, जिसको हम क्या बोलेंगे? आय। अब इससे थोड़ा पहले जाते हैं कि ये हुआ हमारा आलू, जिसको पोटैटो कहते हैं। यहाँ पे ये नॉचेस हो गए, इसको हम क्या बोलेंगे? बड। क्या बोलेंगे? बड्स। Let's change color। इसको हम क्या बोलेंगे? बड्स। और बड्स के बाकी आधे चांद के जैसा तो दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? स्केली। कैसे होती है? रिड्यूस फॉर्म। बॉटनिस्ट ये बोलते हैं कि जहां पे भी, ये बताते हैं कि जहां पे भी बर्ड डेवलप होता है, ये बर्ड को हम कहते हैं इंटरनोड। ये जगह को कहते हैं इंटरनोड, जहां पे भी बर्ड डेवलप हुआ है वो इंटरनोड है, ठीक है। अब ये बर्ड की जो टाइप है वो एक्सिलरी बर्ड है। अब एक्सिलरी बर्ड जो आता है स्टेम और लीफ के बीच में आता है। जैसे कि हम कुछ प्लांट के अंदर देखते हैं जनरली, या अगर लीफ, अब यहाँ जो बर्ड डेवलप हो गया उसको बोलेंगे एक्सिलरी बर्ड। क्यों? क्योंकि स्टेम और लीफ के बीच डेवलप हुआ। तो ये जो ट्यूबर है, ट्यूबर स्टेम है, एक्चुअली ये आलू जो है स्टेम है, और इसके बाजू रिड्यूसिंग लीफ है, और बीच में डेवलप हुआ है क्या? एडवांटेजियस बर्ड। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है, अब जैसे कि भाई ये मिल गई फेवरेबल कंडीशन और ये पोटैटो का चले गया अंडरग्राउंड हो गया, पटीटो का गया अंडरग्राउंड हो गया जमीन के अंदर, इसको हमने डाल दिया फॉर ग्रोथ और एग्रीकल्चर पर्पस। तो ये जो बर्ड है इट डेवलप आई, क्या डेवलप करेगा? आई डेवलप करेगा, और आई से निकलेगा क्या? शूट निकलेगा। साथ ही साथ इट डेवलप अंडरग्राउंड ब्रांचेस, कुछ एक्सिलरी है जो सीधी जा रही है वो एक्सिलरी है, और जो ऐसे जा रही है वो सब एक्सिलरी है। अब क्या होता है, जैसे जैसे ये फोटोसिंथेसिस करती है, कौन फोटोसिंथेसिस करेगा? लीफ करेगी। जैसे जैसे लीफ फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती है, ये जो ट्यूबरस स्टेम है ये श्रिंक होते जाएंगी, सिकुड़ती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी, क्योंकि ये स्टोरेज ऑफ फूड यूज कर लेगा। फोटोसिंथेसिस का जितना भी प्रोडक्ट है वो सब कहाँ जाएगा? एट दी टिप पे जाएगा, और टिप क्या हो जाएगी? सॉलन हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, क्योंकि वो क्या करेगी? फूड स्टोरेज करेगी, और ये श्रिंक हो जाएगी, ठीक है, फूड क्या करेगी? स्टोरेज करेगी। इस तरह से ट्यूबरस स्टेम जो है वो रिप्रोडक्शन करती है, जिसे हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक पार्ट मानते हैं। कि जो ट्यूबरस स्टेम है, मान लीजिए ट्यूबरस स्टेम जो है वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इस तरह से पार्टिसिपेट करती है।